कोरोना काल में भारत द्वारा वैक्सीन तैयार करने से लेकर टीकाकरण तक के अभियान की कहानी पर आधारित एक प्रदर्शनी दिल्ली में लगाई गई। नेशनल साइंस सेंटर में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कोविड 19 की महामारी के खिलाफ भारत द्वारा वैक्सीन तैयार करने से लेकर टीकाकरण के सफल प्रयास की गौरव गाथा को वैश्विक स्तरीय प्रदर्शनी के माध्यम से रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और विज्ञान संग्रहालय समूह लंदन ने राजधानी नई दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप नाम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। प्रदर्शनी से संबंधित कार्यक्रम में भाग लेने आए ब्रिटेन के भारत स्थित राजदूत एलकेस एलिस ने कहा कि ये प्रदर्शनी भारत ब्रिटेन संबंधों के साझा सहयोग की प्रतीक है। The amazing achievement of Covishield, the vaccine drive in India, is to get it to so many people. As you said, it's the science can't just stay in the lab, as it were. It has to go out and reach everyone. I'm really impressed by the scale of the exhibition here. And all the different display techniques and the artwork. So it's a great partnership and I'm delighted, as I think you could tell from the event this morning, there's an incredibly strong friendship between the Science Museum London and here in Delhi. The power of connections between culture and art and the, what happens when you bring together different groups of people to solve a shared problem. So a wonderful exhibition and my thanks and congratulations to everybody involved. प्रदर्शनी में भाग लेने आई संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि वैक्सीन आशा की किरण रूपी कहानी को डिजिटल तरीके से बयां करती ये प्रदर्शनी विज्ञान और कला का अनूठा संगम है जिसे हर व्यक्ति को देखना चाहिए। बड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग है। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, उनके पेरेंट्स देखें, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। प्रदर्शनी के बारे में बात करते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के महानिदेशक एडी चौधरी ने कहा कि ये प्रदर्शनी भारत ब्रिटेन के साझा सहयोग को दर्शाती है। ये एग्जीबिशन के दौरान हम लोग इसको लोगों के पास लेके जाने चाहते हैं कि क्या है ये वैक्सीन, क्या है ये वायरस, कैसे हम इसको ओवरकम किया है, किसके इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना जो स्टोरी है इसमें, ये किस तरह से वैक्सीन और इतने बड़े स्केल पे इंडिया ने डेवलप किया और पूरे विश्व को दिया, जहाँ पे हमने बोला कि कितने देशों में हमने सप्लाई की। तो एक वसुधैव कुटुंबकम की जो बात थी वहाँ हमने इस पूरे एग्जीबिशन में लाने की कोशिश की है। इस अवसर पर अमेरिका दूतावास से आई डॉक्टर प्रीठा राजा रमन ने कहा कि ये प्रदर्शनी लोगों को कोविड महामारी में भारत के सार्थक प्रयासों की जानकारी साझा करने का बेहतरीन माध्यम है। I think it's been fantastic, and one of the areas that we have had the longest and strongest relationship in is in health, especially in biomedical research and collaboration. This exhibit is wonderful. प्रदर्शनी में मौजूद वैज्ञानिकों व प्रदर्शनी देखने आए युवाओं ने कहा कि कोविड की कहानी के जरिए विज्ञान और कला को समझने का ये बेहतरीन अवसर है। मोबाइल वैन पे जाएगा और लोग इसको देखेंगे, जिस सिंपल तरीके से उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको बनाया है, जो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि क्यों वैक्सीन लेनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, और जो लोगों के मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं वैक्सीन के बारे में, दूर होंगी। पूरे वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन था इस प्रोजेक्ट में या बेसिकली कोरोना वायरस में, तब जाके हमने वैक्सीन्स बनाई है, हमने बाकी डेवलपमेंट किया है। तो ऐसे जैसे हम यंग जनरेशन है, अब हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। तकरीबन 2 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ ये प्रदर्शनी 15 नवंबर 2022 से शुरू होकर दिल्ली, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में सितंबर 2025 तक घूमेगी। इस दौरान विशेष रूप से डिजाइन की गई मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी बस भी प्रत्येक स्थल के आसपास के क्षेत्रों की यात्रा में शामिल रहेगी। भारत सरकार देश में न केवल मेडिकल शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन भी दे रही है। राजधानी नई दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर में लगी ये प्रदर्शनी वैक्सीन एक आशा की किरण इसका जीवंत उदाहरण है। इस प्रदर्शनी में एक और जहां कोरोना काल में भारत के वैज्ञानिकों ने शोध और अनुसंधान कर कोरोना की वैक्सीन ईजाद की उसका जीवंत उदाहरण देखा गया है, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी मुल्कों को वैक्सीन आपूर्ति कर भारत ने जिस तरह मानवीय सेवाओं का सच्चा उदाहरण दिया उसका भी प्रदर्शन दिखा गया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।